चलिए आज हमारे बीच है डॉक्टर अनुराग शरण, बहुत ही जाने माने प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं, और सर का एक क्लिनिक भी है जो कायकल्प के नाम से है, वो शास्त्री में अवस्थित है। आज का जो सेगमेंट हम लोग ले रहे हैं वो हेयर से रिलेटेड है और साथ में ब्यूटी के कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम सर से पूछेंगे। सर, आजकल ये देखा जाता है कि सर गंजेपन की जो समस्या है सर वो आम हो गई है, तो इसका सर मेन कारण क्या है सर? गंजापन या जिसे हम मेडिकल टर्म्स में एलोपेसिया बोलते हैं, बालों की डेंसिटी कम हो जाना या सर पे, मैं सर की बात कर रहा हूँ, बॉल्ड पैचेस आ जाना, जहाँ आपके बाल थे, घनत्व था, वो कम हो जाता है या बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ये एक बहुत, आपने सही कहा, एक बहुत प्रमुख समस्या हो रही है, और खासकर मैं युवा वर्ग में देख रहा हूँ, चिंतित होता हूँ मैं किशोरावस्था से युवावस्था में भी, कि जो कारण है इसके, मुख्य कारण जो है वो मुख्य कारण है, अभी से पुरुष और स्त्री को अगर हम लोग अलग समझें, क्योंकि दोनों में कारण थोड़े थोड़े अलग होते हैं, तो पुरुषों में अभी भी मुख्यतः मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा केसेस में अनुवांशिक रूप से होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आपके पिता को है, आपके बड़े भाई को है, आपके चाचा को है, कभी कभी आपके एक ऊपर वाले जनरेशन में नहीं भी प्रकट होता है और उसके पहले होता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप जिसे हम बोलते हैं, कि आप जो अनुवांशिक रूप से लेके आते हैं और कैसे आप उसे प्रस्तुत करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स। मैं अगर बहुत विषय वस्तु से भटकूँ तो आप मुझे रोक देंगे, डॉक्टर हूँ तो काफ़ी बातें मैं बोल देता हूँ, लेकिन मुख्यतः ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो पुरुषों में आपने देखा होगा मनोज जी, कि बालों का झड़ना या बालों का गंजापन एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, जिसे हम नॉर्वुड ग्रेडिंग कहते हैं। जैसे मैं आप में देख पा रहा हूँ या मेरे में भी अब शायद स्टार्ट हो रहा है, बालों का हेयर लाइन रिसेशन, टेम्पोरल बॉल्डनेस, और पीछे का गंजापन वर्टिकल, तो अलग अलग ग्रेड्स होते हैं इसके। ये मुख्यतः एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया बोलते हैं, यानी पुरुष प्रधान गंजापन, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये मुख्यतः मैंने जैसा बताया जेनेटिक होता है, टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस होता है, नॉट एक्सेस, तो इसके ट्रीटमेंट अलग होता है। और स्त्रियों में एक डिफ्यूज हेयर प्लेस होता है, आप देखेंगे स्त्रियों में पुरुषों जैसा गंजापन उभर कर नहीं आता है, उनका घनत्व धीरे धीरे पूरे सार्गर्भित रूप से पूरे में कम होता जाता है, डेंसिटी, दैट्स फीमेल टाइप हेयर लॉस, दोनों के कॉजेज अलग होते हैं। तो मुख्यतः अगर हम हेयर लॉस या गंजापन की बात करें तो उन्हें हम कुछ कैटेगरीज में कुछ में बांट सकते हैं, जो मेन मैंने बताया पुरुषों में जो समस्या है वो एंड्रोजेनेटिक लेवल से, इसके अलावा आपका खान पान, आपकी जीवनचर्या, लाइफ स्टाइल रिलेटेड, या अभी जैसे क्या हो गया है, तनाव एक बहुत मुख्य कारण है, और खासकर अभी मैं कोरोना के परिप्रेक्ष्य में बताऊं कि मैंने सैकड़ों मरीज देखे हैं जिन्हें कोरोना हुआ और 2-2.5 महीने बाद अचानक उनके बाल जोर से झड़ने लगे, कई पेशेंट आए और बहुत काम ने इलाज किया सफल रूप से। तो जीवन में एक स्ट्रेस आ जाना या आपके दिनचर्या में, लाइफ स्टाइल में अचानक कोई चेंज आना, खान पान बदलना, स्थान बदलना, ये स्ट्रेस जो है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, पोल्यूशन और फास्ट फूड कल्चर, तनाव होना, जैसे कि सर हो गए हैं अगर 40 के बाद हैं तो वो तो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है स्वाभाविक रूप से, लेकिन ये जो अलग जो हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हेयर को वो ये है। लेकिन सर जो आजकल युवाओं में जो हो रहा है सर, जैसे आजकल 16 साल की उम्र में देखा जा रहा है कि बॉडलेस हो गई है, गंजापन आ रहा है, 20 साल की उम्र के, परसों ही मैंने एक 16 साल के बच्चे को रिफ्यूज किया हेयर ट्रांसप्लांट करने से, क्योंकि उनका गंजापन एस्टेब्लिश, उसकी वजह ये है कि जीवनचर्या बदल गई है, लोग रात में जगते हैं, जो आपको नींद चाहिए, शरीर को आराम चाहिए, बाल जो है आपके स्किन का एक अपेंडेज है, आपके त्वचा का एक अंग है बाल, जैसे त्वचा में तेल ग्रंथियाँ होती हैं उसी तरह से बाल है, स्किन अपेंडेज है, तो रिफ्लेक्शन है आपके हेल्थ का। अब देखेंगे कि स्ट्रेसर आपके लाइफ में आ जाएगा और आप देखेंगे कि कुछ पीरियड 90 डेज के बाद अचानक आपके बाल झड़ेंगे, अक्सर कंप्लेन होता है, ये होता है। खान पान, पोषण नहीं होना, प्रॉपर पैसे का अभाव नहीं उतना, लेकिन सही पोषण नहीं ले रहे हैं लोग। उसके अलावा अनर्गल इलाज कराना बिना वजह के, ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट, जहाँ आवश्यकता ही नहीं है वहाँ भी आप अपने आप को अपने पैसे खर्च करके, आप जिसे हम बोलते हैं ना कि बेटर इज द एनिमी ऑफ गुड, आपके बाल ठीक ठाक हैं आप उसको बेटर बनाने जाते हैं और कई बार दुष्प्रभाव होते हैं। मैं एक जनरल बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत जगह एक्सपर्टीज की कमी है, लोग बालों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सर ज़्यादातर तो देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा ब्यूटी पार्लर्स में जाती हैं और उसका साइड इफेक्ट्स उनका हो सकता है, लेकिन महिलाओं में सर आजकल जो बढ़ रहा है बॉडलेस हुआ, गंजापन बढ़ रहा है, उसका मुख्य वजह क्या है सर? वही मैंने बताया कि जीवन शैली है, सही पोषण नहीं होना है और तनाव मुक्त जीवन नहीं है। हमारी सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं,
लेकिन हमारा समय बहुत कम हो गया उन सुविधाओं को इस्तेमाल करने का। तो यदि आपको ये बिल्कुल एस्टेब्लिश, आपका स्ट्रेस, जैसे पहली बात मैं बोलता हूँ, कोई मरीज आता है ये चिंता है बाल झड़ने को लेकर, आप जितनी चिंता करेंगे आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे। पहले आप चिंता को दूर करें मन से, चिंता चिता समान हम लोग कहते हैं। जहाँ तक बाल की बात है, जो हमारे बाल ग्रोथ होते हैं, तो ये निश्चित, जब हम कोई इंसान पैदा होता है, बच्चा मिलता है, उसके शरीर पर जो बालों की संख्या है वो सीमित होती है। और दो तरह के बाल होते हैं, टर्मिनल हेयर जो हम बोलते हैं, जो सरों में दिखते हैं, जो आपके कांख में दिखते हैं, जो कड़े बाल हैं फेस में मेल के, और रोए जो होते हैं बेलस, दोनों की संख्या सीमित है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है आपके बाल कम ही होते जाते हैं, आपके बाल कम होंगे ये निश्चित बात है, एज रिलेटेड आपके हेयर डिप्लीशन होंगे, कुछ तो अनुवांशिक रूप से ऐसे होगा। तो जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं आपके बचे हुए बालों को बचाने के लिए, और जहाँ गंजा आपका स्थान हो गया है उसमें हम लोग बाल बढ़ते हैं, मुख्यतः पूरी जो इलाज है हेयर रेस्टोरेशन जिसे बोलते हैं, ये दोनों चीज़ों पर केंद्रित है। तो सर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसप्लांट क्या है सर, कितना सफल है, और इसमें सर अमूमन खर्च क्या आता है? तो बड़ा आपका अच्छा प्रश्न है। हेयर ट्रांसप्लांट पहले क्या होता है ये हम समझ लें। बाल प्रत्यारोपण एक सर्जरी है, ये ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट नहीं है, ये शौकिया चीज़ नहीं है कि आप कैजुअली कराएं। बाल ट्रांसप्लांटेशन जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है या बाल प्रत्यारोपण, उसमें मैं पुरुषों का आपको उदाहरण देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम लोग उसी में करते हैं। तो आप देखें, आपने देखा होगा कि पुरुषों में ये जो पट्टी बची रहती है आपकी पीछे की, वो बची रहती है क्योंकि इसका एम्ब्रियोलॉजिकली इसका ओरिजिन अलग है और आगे का अलग है। तो ये आपका रिजर्व बैंक है, परमानेंट जोन बोलते हैं। तो यहाँ से हम बाल निकालते हैं, जीवित बाल निकालते हैं। ये टिश्यू है, हेयर फॉलिकल एक टिश्यू है जहाँ के आपके एक बाल भी निकल सकते हैं, दो भी निकलते हैं, हेयर फॉलिकल यूनिट बोलते हैं। अभी आजकल FU ही बहुत हो रहा है, उसमें मैं चर्चा करता हूँ। और उसे आपके गंजे एरिया में हम लोग प्रत्यारोपित करते हैं। ये एक समझिए कि जैविक सर्जरी है, वहाँ पर वो बाल पकड़ लेते हैं आपके, उन्हें वहाँ से अब आगे एक पोषण मिलता है, वो आपके नेचुरल परमानेंट हेयर हो जाते हैं जो कि बढ़ेंगे, जिन्हें आप स्टाइल कर सकते हैं, पर्म कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, वो फिर से ग्रो करेंगे। सर इसके बीच में जो लोगों को लगता है कि बाल ट्रांसप्लांट हो गया तो बहुत सारी समस्याएं आएंगे बाद में, कुछ लोग लगता है स्टेरॉइड खाना पड़ेगा, कुछ लोग लगता है कुछ साइड इफेक्ट्स होगा, बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा, तो सर ये क्या है मतलब? ये आपका कहना बहुत सही है कि लोगों के मन में अवधारणाएं बहुत ज़्यादा हैं। जब कोई चीज़ बहुत व्यापक रूप से होने लगती है और उसमें गुणवत्ता या क्वालिटी कंट्रोल ख़त्म हो जाती है, तो लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां आती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। जी सर, हम डॉक्टर हैं, हम वैज्ञानिक तथ्यों पर ही बात करेंगे सिर्फ, कोई अनर्गल प्रलाप करने से कुछ होगा नहीं। आपकी धारणाओं से मेडिकल साइंस बदलने वाला नहीं, एक इमर्जिंग फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है। और हेयर ट्रांसप्लांट तो अब इट हैज़ कम हेयर टू स्टे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। तो पहले कुछ मैं अवधारणाएँ दूर कर दूँ आज आपके चैनल के माध्यम से। बाल प्रत्यारोपण कराने में स्टेरॉइड खाना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। जी सर, स्टेरॉइड का बहुत लिमिटेड यूज़ है हेयर ट्रीटमेंट में। एलोपेसिया एरियाटा में हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ आप देखेंगे पैचेस में छोटी छोटी चित्तियाँ हैं, बाल आपका खत्म हो गया, उसमें उसका यूज़ है, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स का। नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट में स्टेरॉइड्स का कोई रोल ऐसा है नहीं। कुछ लोग अपने कॉकटेल में स्टेरॉइड मिक्स करते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए, सूजन कम हो, तो वो बहुत कम देर के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता है। उससे आपको स्टेरॉइड खाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दवाओं का प्रयोग बताते हैं, इंटेक की जरूरत नहीं, ज्यादा इंटेक की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं, अवश्य ही नहीं है स्टेरॉइड लेना। मैं तो नहीं स्टेरॉइड इस्तेमाल करता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट में। एक दूसरी अवधारणा लोगों के दिमाग में है कि इससे दिमाग की शक्ति कम हो जाएगी, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। हेयर ट्रांसप्लांट हम कहाँ करते हैं? आपके बाल सर की त्वचा में करते हैं, त्वचा के दो लेयर्स होते हैं, तो हम आपके अंदर की सतह तक वहाँ पे बाल प्रत्यारोपित करते हैं। आपका ब्रेन बहुत नीचे है, अब बाहर खोपड़ी है, हड्डी है, ब्रेन पे कोई असर नहीं पड़ता है, ना दिमाग की नस कोई यहाँ से जाती है। मेडिकल साइंस नहीं बदलता है आपकी अवधारणाओं से, ना आपकी स्मरण शक्ति कम होती है, ना ऐसा है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से बाद में कैंसर हो जाता है। ये सब बिल्कुल ही मिथ्या है और बहुत लोगों को रोकती है शायद ये इलाज कराने से, जो कि एक बहुत सफल और सरल इलाज है आजकल। तो सर इसका सक्सेस रेट क्या है सर? सक्सेस रेट का पैमाना क्या होगा, पहले उसके मानक या मापदंड हम निर्धारित कर लें। तो यदि हम 100 बाल लगाते हैं, जिस विधि को मैं प्रयोग करता हूँ अपने सेंटर में कायकल टोटल ट्रांसफॉर्मेशंस में, वी डू रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट जो कि फर्स्ट है हमारे स्टेट में, ह्यूमन असिस्टेड रैपिड रोबोट। उसमें आपके किन चीज़ों पर निर्भर करता है, पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हेयर ट्रांसप्लांट आप 100 जगह कराएंगे और 100 जगह अलग रिजल्ट आएंगे, क्या निर्भर, किस चीज़ पर निर्भर करता है? सबसे पहले आपके
इलाज करने वाले व्यक्ति की काबिलियत पर, उसका प्रशिक्षण कैसा है, उन्होंने कितने केसेस किए हैं, किस क्या उनकी मानसिकता है, और हर मरीज को अलग देखें एक दूसरे से। हर आदमी का सोल्यूशन अलग है। बाल की गिनती लगाकर जो होता है 2000 बाल लगाने हैं, 3000 लगाने हैं, वो उस तरह से इसको ना देखें। ये कला और विज्ञान का एक तादाद में स्थापित होता है, तब हेयर ट्रांसप्लांट में अच्छा रिजल्ट आता है। तो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, टेक्निक, जो टीम है वो कैसी है, कितना वक्त लेके कर रहे हैं, कितनी हड़बड़ी में, और आप आगे कितना प्रिकॉशन ले रहे हैं, डॉक्टर की प्लानिंग कैसी रही आपके केस में। तो जैसे मान लीजिए मैं 2000 बार लगाता हूँ, 3000 लगाता हूँ, तो अलग अलग पेशेंट्स में वो उतनी ही संख्या लगाऊंगा, लेकिन लगाने का तरीका अलग होगा, उसका फ्लो डायरेक्शन अलग होगा। प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है, ये कला है, ये बिल्कुल एक कला है। और विज्ञान का आपको बैकग्राउंड चाहिए, नेपथ्य में विज्ञान का आपके वो ज्ञान होना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना करें, बहुत कम ना करें, कितने सेशंस में करें, ये बिल्कुल एक, मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट को आप नेट शॉपिंग की तरह, अमेजन शॉपिंग की तरह न देखें। मैं ये फेस कर रहा हूँ रोज़ पेशेंट्स में, बस ये करना है, ये कितना लगेगा। आप डॉक्टर से मिलें, अच्छा परामर्श लें। जैसे हम हार्ट स्टूडियो यूज़ करते हैं, तो मैं आपके पिक्चर्स लेकर आपको स्टूडियो के माध्यम से एक सिमुलेशन बना के दिखा पाऊँगा कि कितनी जगह आपके घनत्व कम है, कहाँ कैसा प्लानिंग है, आपके पुराने बालों का ग्रोथ कैसा था, पुराने पिक्चर्स से मिलाते हैं, किस स्टाइल में आप चाहते हैं, आपकी नीड्स क्या है, प्रोफेशनल नीड्स क्या है, सोशल नीड्स क्या है, बहुत चीज़ों का ये समन्वय होता है इसमें। मतलब बहुत ही सफल तरीका है ये, सफल, बिल्कुल सफल तरीका। सक्सेस कैसे हम करते हैं, अगर मैं 100 बार लगाता हूँ, और मैं तो बिल्कुल ये क्लेम करके कहता हूँ कि मैं निश्चित तौर से जिस टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं, और केस सिलेक्शन अच्छा है, यदि सारी परहेज लिए गए हैं, सब प्रोसेस को ठीक से हो, तो निश्चित आप मान के चलें कि 100 में से 95 बाल आपके बिल्कुल उग के आएंगे। कुछ बाल तो झड़ते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और ये स्वाभाविक है, उसमें लोग चिंतित होते हैं। हम लोग पेशेंट को पहले से बता के रखते हैं, जैसे समझें कि आप धान का पौधा लगाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो देखते हैं ना कि फिर वो आपके बीज जब पकड़ लेते हैं त्वचा के अंदर, तो आपके प्राकृतिक बाल ही निकल के आते हैं। ये एक पीरियड है। जैसे आज हम बाल प्रत्यारोपण करते हैं, तो उसका फाइनल रिजल्ट आप आज सर्जरी के बाद से 8 से 12 महीने के बाद देखेंगे। मतलब कि सर ये हमेशा ये बाल उगते रहते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम लोग के बाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप एक नज़र में बता भी नहीं पाएंगे बहुत सारे केसेस में किनका बाल प्रत्यारोपण किया गया है। सफल बाल प्रत्यारोपण वो होता है जिसमें बिल्कुल स्वाभाविक या प्राकृतिक नतीजे आते हैं। और शुरुआत का तो एक पीरियड होता है जिसमें आपको लगेगा कि बाल मेरे थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, तो वो तो आपको मतलब लेके चलना होगा। दैट इज द प्राइस ऑफ ब्यूटी। जी सर, तो जैसे आजकल सर कुछ नई विधि हम सुनने को मिल रही है सर, कि जैसे PRP एक है और हेयर रेस्टोरेशन बोलते हैं सर, बाकी तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, मैं हेयर रेस्टोरेशन ही बोलता हूँ। तो हेयर रेस्टोरेशन इज अ ब्रॉडर टॉपिक, वो एक व्यापक विषय है जिसमें आपके बाल जो जा चुके हैं उन्हें हम कैसे लौटा सकते हैं, पुनः स्थापित कैसे कर सकते हैं। उसमें दो मुख्य चीज, अगर मैं ट्रीटमेंट को, हेयर रेस्टोरेशन को मैं डिवाइड करूँ, तो पृथक करूँ, तो तीन विषय आते हैं उसमें। पहला है मेडिकल थेरेपी, दूसरा है इंटरवेंशनल मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी, जैसे कि PRP आपने कहा, वो होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका जानकारी हो तो, जो आपका डॉक्टर आपके पैनल पे बैठा है वो पहला व्यक्ति जो बिहार में PRP स्टार्ट किया 2007 से, मैं कर रहा हूँ। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट होते हैं हमारे ब्लड सेल्स के एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो बहुत रिच होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स में, पेप्टाइड्स होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, PDGF, PGF, वो रिच समझिए खाद का काम करते हैं आपके सोए हुए बालों को। आपके सर में जो बाल हैं वो सारे दिख नहीं रहे हैं, आपके शरीर में जो बाल जो है वो तीन फेजेज में होते हैं। छोटे से मैं बात बता रहा हूँ, बाल पे व्यापक चर्चा हो रही है, टेलोजन, एनाजेन और कैटाजेन। एनाजेन हेयर वो है जो आप कटिंग कराते हैं सैलून में, देखते हैं मेरे बाल बढ़ रहे हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि बाल के जो जीवन चक्र है, मैं साइंटिफिक इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, समझ बहुत कम लोगों को है। तो आपके बाल जीवन चक्र के किसी एक हिस्से में रहते हैं। एनाजेन मैंने बताया, जब आपके बाल बढ़ते रहते हैं आप कट कराते हैं, ज़्यादातर मुख्यतः स्काल्प के हेयर जो होते हैं, सर के हेयर, उस फेज में रहते हैं। एक होता है टेलोजन फेज, जब आपके बाल झड़ने लगते हैं, आप देखे होंगे कंघी में आपके बाल निकलते हैं, शैम्पू में निकलते हैं, लोग बहुत चिंतित होते हैं उसके लिए। और एक होता है कैटाजन स्टेज, जब आपके बाल सुसुप्तावस्था में हाइबरनेट करें, ना वो बढ़ रहे हैं और ना वो झड़ रहे हैं। तो ये नॉर्मल लाइफ साइकिल है। एक चीज़ होती है एनाजेन टेलोजन रेशियो, कि आपके बाल कितने झड़ रहे हैं और कितने बढ़ रहे हैं। तो दवाइयों के माध्यम से, PRP के माध्यम से, या एक और चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, GFC ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, वो सुइयाँ हम देते हैं आपके स्काल्प में, रोलर करते हैं, और आपके सुसुप्तावस्था वाले बाल हैं और जो बालों के झड़ने की प्रक्रिया है उसको हम कम करते हैं और रोकते हैं। तो सर, हेयर रेस्टोरेशन में तीनों चीज़ों का समन्वय है। मेडिकल थेरेपी जो आजकल लोग खुद से मिनोक्सिडिल MNX से लगाते रहते हैं, वो मैं बताता हूँ, एक तिहाई रूल है, 1/3 केसेज इट विल वर्क, 1/3 केसेज इट विल वर्क, तब तक काम करेगा जब तक आप दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, और एक तिहाई केस उसमें काम करेगा ही नहीं,
लेकिन वो एडजंक्टिव ट्रीटमेंट है, एक दूसरे के पूरक हैं। मेडिकल थेरेपी, पीआरपी, जीएफसी, स्टेम सेल थेरेपी, अब स्टेम सेल थेरेपी भी कर रहे हैं, थोड़ा महंगा है लेकिन मैं अपने शहर में कुछ केसेस कर रहा हूँ, और हेयर ट्रांसप्लांट, ये सब मिलाकर जो होता है फील्ड उसको बोलते हैं हेयर रेस्टोरेशन, कि कैसे हम प्राकृतिक बालों को वापस लौटा सकें और आपका गंजापन दूर कर सकें। तो पीआरपी सवाल ही उठता है सर, पीआरपी अगर जो हम करवाते हैं, मान लीजिए पेशेंट करवाता है तो कितनी बार करवाना पड़ता है, एक बार में ही? हाँ, ये बहुत एक बड़ा सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है और इसका बहुत आसान उपाय नहीं है, क्योंकि ये डॉट्स थेरेपी नहीं है ट्यूबरक्लोसिस की कि 6 महीना दवा चलाकर बंद कर दो। पीआरपी हम करना शुरू करते हैं, सबका शेड्यूल वेरी करता है, पेशेंट के जीवन शैली के हिसाब से, उसकी व्यस्तता के हिसाब से, उसके बालों के हिसाब से, और इसका एक निश्चित पीरियड नहीं, लेकिन मैं एवरेज 6 से 12 सेशन रिकमेंड करता हूँ एवरेज केसेस में। बट देन अगेन देयर इज नथिंग कॉल्ड एन एवरेज पेशेंट, वो कुकी कटर अप्रोच से हम काम नहीं करते कि हर पेशेंट एक ही है, हर पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं, इसलिए मैं इसका एक बहुत निश्चित उत्तर नहीं दे पाऊंगा विज्ञान की परिधि में रहकर, वो मेरे लिए वो तर्कसंगत उत्तर नहीं होगा। चलिए ठीक है सर, तो अब हम सर आते हैं थोड़ा सा ब्यूटी के ऊपर, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन होता है महिलाओं के ऊपर होता है सर, उनको बहुत ही कंसर्न होता है ब्यूटी को लेकर, क्योंकि आप पुरुष सुंदर और आकर्षक नहीं, नहीं नहीं सर, आप तो लड़के भी उतने ही डिमांडिंग हो गए हैं इस चीज़ को। तो सर एक क्वेश्चन उठता है सर कि उम्र के साथ में एजिंग इन्फेक्शन, मतलब एज के साथ में लकीरें बढ़ना, चेहरे पर लकीरें बढ़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ना या ढीलापन हो जाना, त्वचा ढीलापन हो जाना, या जिसे हम आम भाषा में रिंकल्स बोलते हैं और मेडिकल भाषा में हम उसे राइटेड्स बोलते हैं, वो एक मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है, उसके बहुत बहुआयामी चीज़ है। तो उसके प्रभाव जो शरीर पर एजिंग के या बूढ़ेपन के या प्रौढ़पन के पड़ते हैं वो अवश्यम भावी है। लेकिन अब आपका प्रश्न अच्छा है, तो एंटी एजिंग थेरेपी या हम बोलते हैं या एज रिवर्सल थेरेपी, इसमें कई विषय हैं और एक छोटे से ये साक्षात्कार की परिधि के बाहर है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ। मैंने आपके क्लिनिक में देखा था आप तो मैंने आ चुके हैं, तो मैं अगर फेस की बात करूँ सिर्फ, जी सर, तो जो रिंकल्स पड़ रहे हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टैटिक रिंकल्स और डायनेमिक रिंकल्स, जो आपके चेहरे पे बिना कोई भाव उत्पन्न किए भी दिख रहे हैं वो स्टैटिक रिंकल्स हैं, और जो जब मैं मान लीजिए फेशियल एक्सप्रेशंस करता हूँ वो दिखते हैं वो डायनेमिक रिंकल्स हैं। दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। आपने बोटॉक्स थेरेपी को, मैं 4-5 मुख्य चीज़ें छोटे में कवर करता हूँ, जी सर, बोटॉक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन, वो आपके डायनेमिक रिंकल्स को पैरालाइज करके स्मूथ कर देता है, आप देखेंगे आपका चेहरा खिल उठा, बहुत एक्सपर्टीज से करना होता है। बोटॉक्स कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, लोगों के मन में बहुत अवधारणा है, मैं लगभग रोज करता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। फिर फिलर्स, जो आपके त्वचा के अंदर हाइलुरोनिक एसिड की कमी हो गई है, जहाँ आपका डिप्लीशन हो रहा है वॉल्यूम का, उसे हम फिल करते हैं। तो सारी एडजंक्टिव थेरेपी एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए मैं एक प्लान बनाता हूँ पेशेंट का कि क्या क्या करने के लिए। देन डायरेक्ट अगर हमें लिफ्ट करना हो वेक्टर्स को, जो सैगिंग हो गया, थ्रेड लिफ्ट करते हैं, ये सारे नॉन सर्जिकल तरीके हैं। देन फैट ग्राफ्टिंग, देन पीआरपी और लेजर्स, तो एक अलग ही फील्ड है। मैं 3-4 प्रकार के लेजर्स रखता हूँ, यूज़ करता हूँ, उसमें मैं मुख्यतः CO2 फ्रैक्शनल या RBM या यूज़ करता हूँ, जो आपके स्किन के ऊपर की जो एजिंग हो चुकी है, ग्लोगाव एजिंग, उसको स्मूथ करता है और पुनर्जीवित करता है, आपके स्किन को पुनर्जीवित करता है। फिर सर्जिकल फेस लिफ्ट, बाकायदा जब हम सर्जरी करके आपके फेस को लिफ्ट करते हैं, आपकी एजिंग के जो भी साइंस हैं, जो आपके लक्षण आ रहे हैं, वो हमें 10-15-20 साल समझिए एक सर्जरी के बाद वापस कर देते हैं पुनर्स्थापित। तो कहने का मतलब यह है कि आपको फिर वहाँ तक पहुँचने में 10-15-20 साल लगेंगे, लेकिन आपकी जीवन शैली अच्छी रहनी चाहिए। तो सर एक सवाल उठता है कि बोटॉक्सिन को लेकर के, एक सवाल है कि लोग जानना है कि ये कब तक इफेक्टिव होता है, मतलब अगर हम बोटॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन जो है या बोटॉक्स, तो एक ब्रांड नेम है, चूंकि वो ब्रांड नेम सिनोनिमस हो गया, जैसे हम जूते के लिए बाटा बोलते हैं, लेकिन आप समझे बोटुलिनम टॉक्सिन टाइप ए, वो किस इंडिकेशन के लिए दिया जा रहा है उस हिसाब से उसका प्रभावशील कितनी देर तक प्रभावशील रहेगा वो निर्भर करता है, आमतौर पर 3 से 4 महीने तक। लेकिन यदि आप उसे टॉप अप कराते हैं, अपने सेशन को रिपीट कराते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि ये इसका इफेक्ट कहीं ज़्यादा रहता है, लेकिन ये आपको बीच बीच में लेना पड़ता है, ये एक OPD प्रोसीजर है, मात्र 5 मिनट लगते हैं करने में। मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं है ज़्यादा? साइड इफेक्ट्स तो डॉक्यूमेंटेड बहुत है, तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं केस को, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है या आपको बोटॉक्स एलर्जी है या कई चीज़ें, लेकिन मैं बताऊं आपको कि ये जितनी चर्चा इसके साइड इफेक्ट्स पे होती है, रिस्क बेनिफिट रेशियो अगर देखें, और हाँ, करने वाला एक्सपर्टीज होना चाहिए, ट्रेंड आदमी होना चाहिए करने में, ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट नहीं, तो रिस्क बेनिफिट रेशियो में द बेनिफिट फार आउटवेज द रिस्क, इज नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो आप अपने डॉक्टर में कॉन्फिडेंस रखें। एक सवाल है सर कि आजकल बहुत सी लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली होती हैं, तो उनके चेहरे पे टैनिंग होता है सर, कुछ रिंकल्स तो होते ही, जो रिंकल्स तो नहीं होते हैं लेकिन दाग धब्बे होते हैं, उसको कैसे सर
मतलब इसका ये डीपिगमेंटेशन थेरेपी है, ये एक व्यापक सब्जेक्ट है। इसमें हम मुख्यतः दवाइयों का प्रयोग करते हैं, मैं सर्टेन लेजर्स का प्रयोग करता हूँ और केमिकल पील्स, ये तीन मेन स्टे हैं। इसके अलावा अब जो हम थेरेपी रिकमेंड कर रहे हैं और काफ़ी व्यापक रूप से हो रही है, वो फिल्म स्टार्स की जो ट्रीटमेंट आप देखते हैं उनकी त्वचा का रंग कैसे बदल जाता है, वो आपके शहर में अवेलेबल है बहुत न्यूनतम कॉस्ट पे। उससे हम बोलते हैं वो जो हमारा होता है ग्लूटामिक एसिड थेरेपी या ग्लूटामिन थेरेपी, ठीक है। उसके हम इंजेक्शन भी देते हैं, टैबलेट्स भी देते हैं, क्रीम्स भी देते हैं, लेकिन आपको लेना पड़ता है। उसके अलावा वो बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है जो, और क्यूस्विस्ट एनडी आग लेजर, वो काफ़ी प्रभावशील है इसमें जी सर, और धूप से प्रोटेक्शन सारी चीज़ें मिला के आपका स्किन कैसा दिखता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अ वन डे प्रोजेक्ट। असल में सवाल तो बहुत सारे हैं जी, सवाल तो बहुत सारे हैं और सेगमेंट भी बहुत सारा है, लेकिन एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर जी, और जब भी मौका मिलेगा आपसे फिर दोबारा पूछने का तो मैं जरूर आपसे फिर आपको इनवाइट करूंगा। प्लास्टिक सर्जरी का जो क्षेत्र है वो दुनिया में शल्य चिकित्सा में सबसे व्यापक क्षेत्र है, तो इसके तो कई साक्षात्कार लगेंगे जी। आप पूछिए अपना प्रश्न। तो एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि बहुत सी महिलाएं हैं जो सर शर्म बस या फिर लाज बस बोल नहीं पाती हैं, लड़कियां भी कुछ लोग हैं जिसके सर वो चेस्ट का ढीलापन होना, स्तन का ढीलापन होना, ब्रेस्ट का ढीलापन, ब्रेस्ट का ढीलापन होना, ब्रेस्ट का सर्जरी आपने पूछा, उसके हमारे ब्रेस्ट में मुख्यतः तीन तरह की समस्याएं आती हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को देखता हूँ। साइज छोटा होना, ठीक है, आकार प्रकार छोटा होना, ढीलापन होना या बहुत बड़ा होना, तीनों समस्याएं होती हैं। तीनों समस्या, और तीनों का इलाज अलग अलग होता है। जैसे साइज बड़ा करना है तो मोस्ट कॉमन इज ब्रेस्ट इम्प्लांट, ये बिल्कुल सेफ है, थर्ड जनरेशन यू एस एफ डी अप्रूव्ड इम्प्लांट या यूरोपियन यूनियन इम्प्लांट, बिल्कुल इट्स लाइक अ डे केयर सर्जरी, आप करा के शाम तक या सुबह तक जा सकते हैं, इमिडिएटली आपका साइज ग्रो कर जाता है और आपके इम्प्लांट आगामी 10 वर्ष 15 वर्ष तक निश्चिंत आप रहते हैं उस बात को। दूसरी चीज़ है ब्रेस्ट ढीलापन, जो कि एजिंग से होता है या कम एज में भी होता है, उसे मैस्टोपेक्सी कहते हैं, जहाँ की आपके ब्रेस्ट टिश्यूज को हम टाइट करते हैं, जहाँ आपके स्किन और अंदर के जो टिश्यू है उसका बैलेंस सही नहीं है, उसको हम रीड्रेप करके करेक्ट करते हैं, तनाव लाते हैं आपके स्तन में, और कभी कभी इम्प्लांट भी करना पड़ता है। और ब्रेस्ट रिडक्शन, जहाँ आपके स्तन का आकार डील डॉल बहुत बड़ा है और आपको शर्म महसूस होती है या फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं आपको, तो वहाँ हम उससे छोटा करते हैं सर्जरी के माध्यम से। ये तीनों बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और इसमें हिचकिचाहट की आवश्यकता नहीं। आप अपने परामर्शदाता से मिलें, आप डॉक्टर से मिलें, वो आपके कन्फ्यूजन दूर करेगा, उसका काम है ये करना। तो चलिए सर, आज हमने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, लेकिन बहुत सारा सेगमेंट है जो अभी आपका उत्तर दे सकता अभी रह गया है सर। तो नेक्स्ट सेशन में हम जब भी हम लोग को मौका मिलेगा आपसे बात करने का, और जब भी आपको समय होगा आपके पास, मुझे तो हम लोग फिर से आपको अपने स्टूडियो में इस छोटे इंटरव्यू से कुछ जानकारी प्राप्त हो सकी हमारे ऑडियंस को, और हमारे साथ फेसबुक पे भी लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू।